हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तजुनिक ऑफ लर्निंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्क एवं वर्कमूल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों इस वीडियो में हम वर्क एवं वर्कमूल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया है, यदि रूट 1+25/x^2 बराबर 1+x/12 हो तो x का मान। दोस्तों पहले ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो आएगा 144+25/144 यानी 13/12 बराबर, इधर दूसरा पक्ष हल करने पर आएगा 12+x/12 बराबर 13/12। ऐसे 12 12 कैंसिल, x बराबर 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा a, x का मान 1 आएगा। आगे हल करते हैं, रूट 32.4/√x/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से इधर स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी 32.4/√x/4 हो। यहाँ से x बराबर 32.4/4 यानी 4 8 32 और 4 1 8.1, इसमें 8.1 किसी में ऑप्शन नहीं है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, एक्स का मान आएगा 8.1। आगे देखते हैं, रूट एक्स बराबर 238 बराबर 360 का 4/5। पहले 360 का 4/5 निकाल लेते हैं, 4/5 आएगा 5 7 35 5 10 यानी 4 2 8 4 7 28 228। रूट एक्स बराबर आएगा 288-238 यानी एक्स बराबर 8 8 3 5। रूट एक्स बराबर 50 तो एक्स बराबर 50 का स्क्वायर यानी 2500, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, तरणी 3 उसके नीचे रूट 0.00064 का मान। यहाँ से पहले एक ब्रैकेट हल करेंगे, यहाँ से आएगा 64 का वर्गमूल होता है 8, यहाँ से 3 0 आएंगे करंडी में 8, यहाँ से 1 0 माइनस तो 0.2 यानी इसका मान आएगा ऑप्शन बी, 0.2। आगे देखते हैं, 8√2/3 का मान। ऐसे 8 को हम 2√3 के रूप में लिख रहे थे, उसके ऊपर उड़े 2/3 यहाँ से 3 3 कैंसिल यानी 2^2 यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, 3 4 12/125 का मान। यहाँ से 125/4 यानी 500+12/125 यानी 8/5, 8/5 यानी 1 3/5, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 3/5। आगे देखते हैं, यदि 50/x/(x/12.5) तो x का मान, यहाँ से हम तिरछी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 125/625 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 625 यानी x बराबर 25, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 25। आगे देखते हैं,
कर्णी 8 बटे रूट 16 भाग अंडर रूट 100 बटे 49 कूड़े कर्णी 125। यहाँ से हल करेंगे, कर्णी 8 का मान 2 बटे रूट 16 का मान 4, भाग है तो निशान पलट जाएगा, 7 बटा 10 गुणे कर्णी 125 का मान 5। यहाँ से 2 पंजे 10, 5 5 कैंसिल, यानी 7 बटे 4, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए 7 बटा 4। आगे देखते हैं, इसे हल करने के लिए देखते हैं, यहाँ से रूट 225 का मान होगा 25, 15 प्लस 154 हो जाएगा यानी 13, 108 प्लस 13 यानी 8 3 11, 121 यानी 11, 25 प्लस 11, 25 प्लस 11 5 एक 6 दो 3 एक 36, 10 प्लस 6 16 यानी 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।